मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। दोस्तों, दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर की शुरुआत में अजय देवगन उर्फ विजय सलगांवकर का डायलॉग सुन ऐसा लग रहा है जैसे इस बार उसने पुलिस के सामने हार मान ली हो। वो कहता है, सच एक पेड़ की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। हालांकि दूसरे ही पल 7 साल पुराना विजय नजर आता है। वो पुलिस को कहता है कि 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही वो लगातार अपने परिवार को मजबूत करते दिख रहे हैं। हर दृश्य विजय के पक्ष में नजर आता है, लेकिन फिर भी अक्षय खन्ना की एंट्री होती है। वो परत दर परत केस को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन केस एक बार फिर वही आकर रुक जाता है। तभी एंट्री होती है तब्बू की। अभिनेत्री इस बार एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मां के रूप में इस केस से जुड़ती है। अक्षय और तब्बू के एक के बाद एक वार का विजय को सोचने का समय नहीं देते हैं और केस को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं, और अंत में विजय अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाते नजर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रेलर देखते वक्त हर समय मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, क्या इस बार सलगांवकर परिवार पुलिस के चंबल में फंस जाएगा या पिछली बार की तरह विजय इस बार भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब होगा। आखिर क्या होगा, ये तो नवंबर महीने में फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दृश्यम 2 फिल्म में सुपर डुपर हिट होगी या सुपर डुपर फ्लॉप? हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका दोस्त रवि चौधरी।